हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पंकज फिजिक्स गुलाटी। स्टूडेंट्स, आपको एक चैनल पर देखने को मिलती है ग्रेजुएशन फिजिक्स के टॉपिक्स की सबसे आसान एक्सप्लेनेशन, और साथ ही साथ आपको ये भी बताया जाता है कि आपको एग्जाम में क्या और कैसे लिख के आना है ताकि आपको फिजिक्स में बहुत अच्छे मार्क्स मिल सके। तो स्टूडेंट्स, आज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पाइए नोटिफिकेशन मेरी नई वीडियो का सबसे पहले। तो स्टूडेंट्स, इसी कैटेगरी में आगे बढ़ते हुए आज हम बात करेंगे बीएससी फर्स्ट सेम क्लासिकल मैकेनिक्स एंड थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के यूनिट 3 के एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। स्टूडेंट्स, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन को समझने से पहले आपको एक डेली लाइफ का एग्जांपल समझना बहुत जरूरी है। सपोज कीजिए स्टूडेंट्स, आप खड़े हैं एक रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म के ऊपर और आप खड़े हैं रेस्ट पोजीशन में, और आपके बगल में एक ट्रेन खड़ी है, वो भी रेस्ट में है, रुकी हुई है, और आपके बिल्कुल सीध में, बिल्कुल आपके एडजेसेंट जो रेल खड़ी है रेलवे ट्रैक के ऊपर जो कि रेस्ट में है, उसके अंदर भी एक पर्सन खड़ा है, वो भी रेस्ट में है। देखिए स्टूडेंट्स, आप हैं ऑब्जर्वर और वो पर्सन एक आपका फेलो पैसेंजर है जो कि ट्रेन के अंदर रेस्ट पोजीशन पे है, क्योंकि ट्रेन जो है अभी रुकी हुई है। स्टूडेंट्स, आपकी पोजीशन को डिस्क्राइब करने के लिए 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस की जरूरत पड़ेगी, जिसको बोलते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एक्सिस एक्स वाई जेड। मतलब कि आप एक अपने आप में एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस का काम करेंगे, और जो अंदर पैसेंजर खड़ा है रेल के अंदर जो कि रेस्ट में खड़ी है रेलवे ट्रैक के ऊपर, वो भी उसको उसकी पोजीशन को डिस्क्राइब करने के लिए भी एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एक्सिस का सिस्टम चाहिए होगा। मींस वो भी अपने आप में एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस का काम करेगा। मींस यहां पर 2 फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस की बात कर रहे हैं, एक आप हैं, एक रेलवे ट्रेन के अंदर खड़ा हुआ पैसेंजर है, वो भी एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, दोनों इस टाइम रेस्ट में हैं। जो भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस रेस्ट में होते हैं या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहे होते हैं, उन फ्रेम ऑफ रेफरेंस को बोलते हैं हम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, क्योंकि उसमें न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन जो है वो बहुत अच्छे से ओबे होते हैं। मान लीजिए स्टूडेंट्स, अब क्या हुआ, अब आप रेस्ट में खड़े और ट्रेन जो है वो कांस्टेंट वेलोसिटी v से मूव होना शुरू हो गई। मान लीजिए आप जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो आपके साथ एसोसिएटेड है, उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम नाम दे देते हैं s फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और जो पैसेंजर ट्रेन के अंदर बैठा हुआ है अब वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है अलोंग विद द ट्रेन, और कांस्टेंट वेलोसिटी हमने कितनी लेनी है, v वेलोसिटी से मूव कर रही है ट्रेन, तो पैसेंजर भी जो मतलब कि पैसेंजर के साथ फ्रेम ऑफ रेफरेंस एसोसिएटेड है, उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी वो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है आगे की तरफ, और आप रेस्ट में खड़े हैं, उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम नाम दे देते हैं s डैश। तो मींस आप रेस्ट में खड़े हैं और दूसरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है वो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो आप भी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की तरह काम करेंगे, और जो आप पैसेंजर है वो भी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की तरह ही काम करेगा। मींस यहां पर 2 इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात कर रहे हैं जिनके बीच में रिलेटिव मोशन है। आपको लगेगा कि ट्रेन मूव कर रही है आगे की तरफ, और जो पैसेंजर ट्रेन के अंदर खड़ा है वो समझेगा, उसको ऐसा लगेगा कि ट्रेन रुकी हुई है, आप पीछे की तरफ मूव कर रहे हैं। मींस दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस में एक प्रकार का रिलेटिव मोशन है। तो मींस गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन को समझने के लिए आपको 2 इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कंसीडर करने होंगे। पहले फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है वो कंसाइड कर रहे होंगे, उनके ओरिजिन्स कंसाइड कर रहे होंगे एक ही पॉइंट के ऊपर, और टाइम हम मान लेंगे उस टाइम टाइम 0 था। आफ्टर सर्टेन टाइम जो दूसरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो मूव करना शुरू करेगा, और पहला फ्रेम ऑफ रेफरेंस रेस्ट में रहेगा, और दूसरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा। जो ट्रेन वाला एग्जांपल लिया था हमने, मान लीजिए उसके अंदर बैठा हुआ पैसेंजर जो है वो एक चीज एयर में थ्रो करता है, सपोज ही थ्रो समथिंग इन एयर लाइक दिस। मान लीजिए उस ऑब्जेक्ट की जिसको उसने थ्रो किया उसकी पोजीशन यहां पर है, और इसको हम पी पॉइंट से रिप्रेजेंट करेंगे। अब जो ऑब्जर्वर है जो बाहर खड़ा हुआ है प्लेटफॉर्म के ऊपर, जिसको हम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस मान रहे हैं, जिसका ओरिजिन ओ मान रहे हैं हम, वो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स देखेगा, और उसके लिए इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, एक्स वाई जेड एंड टी, स्पेस टाइम कोऑर्डिनेट्स की बात हो रही है। और जो ऑब्जर्वर ट्रेन के अंदर है जिसका ओरिजिन ओ डैश हम मानेंगे, मींस एस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे x प्राइम y प्राइम z प्राइम एंड t प्राइम, स्पेस प्राइम कोऑर्डिनेट्स s फ्रेम के लिए x y z t हैं, और s डैश फ्रेम के लिए इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x डैश y डैश z डैश एंड t, जिसको हम x प्राइम y प्राइम z प्राइम एंड t प्राइम भी बोल सकते हैं। नाउ गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन क्या करती हैं, इन दोनों कोऑर्डिनेट्स को आपस में रिलेट करती हैं। हाउ दीज कोऑर्डिनेट्स आर रिलेटेड टू ईच अदर, एक्स और एक्स प्राइम में क्या रिलेशन है, वाई और वाई प्राइम में क्या रिलेशन है, जेड एंड जेड प्राइम में क्या रिलेशन है,
टी एंड टी प्राइम में क्या रिलेशन है, यही हमें गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन बताती है। तो इसमें हम चार सेट ऑफ इक्वेशन ड्राइव करेंगे गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन में, और उसके लिए आपको कंसीडर करने पड़ेंगे दो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस, एक रेस्ट में रहेगा, एक मूव करेगा कॉन्स्टेंट वेलोसिटी वी के साथ अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस। तो स्टूडेंट्स, जो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन क्वेश्चन है जो आपको आएगा कि ड्राइव गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, जो वो 4 या 5 मार्क्स से ऊपर का नहीं आएगा एग्जाम में, तो आपको डायग्राम कैसे बनाना है और कैसे इसकी थ्योरी लिखनी है आपने, आइए वो देखते हैं। सबसे पहले हम मानेंगे कि हमने दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस लिए हैं, दोनों के दोनों इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस हैं जिसमें न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन ओबे होंगे, दोनों पहले रेस्ट में होंगे। ये है हमारा फ्रेम एस जिसके कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एक्सिस है एक्स वाई जेड और जिसका ओरिजिन है ओ। दूसरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है एस प्राइम जिसके कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एक्सिस है एक्स प्राइम वाई प्राइम जेड प्राइम और इसका ओरिजिन है ओ प्राइम। जब टाइम टी इक्वल टू 0 था, दोनों जो फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस थे एस एंड एस डैश दे वर कंसाइडिंग ईच अदर, दे वर बोथ एट रेस्ट, मींस उनके ओरिजिन्स तो हैं वो ओ एंड ओ प्राइम, दोनों एक ही पॉइंट पर हैं, मींस कंसाइड कर रहे हैं। अब क्या होगा, जो फ्रेम एस डैश है वो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस की तरफ वी वेलोसिटी के साथ मूव करना शुरू करेगा और जो वेलोसिटी वी होगी वो कांस्टेंट होगी, मींस जो एस प्राइम होगा वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा विद रिस्पेक्ट टू द फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस। अब एस जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो रेस्ट में रहेगा। मान लीजिए एक इवेंट अगर होती है पी पॉइंट के ऊपर, जैसे मैंने आपको बॉल का एग्जांपल लेके समझाया था कि ट्रेन के अंदर आप बॉल फेंकते हैं, जो पैसेंजर है ट्रेन के अंदर वो बॉल फेंकेगा और वहां पर मान लीजिए एक इवेंट होती है, उस इवेंट की पोजीशन है पी। अब पी पॉइंट पर एक इवेंट हो रही है जिसके कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स होंगे, स्पेस टाइम कोऑर्डिनेट्स मुझे बोलना चाहिए, तो स्पेस टाइम कोऑर्डिनेट्स होंगे ओ ओरिजिन के रिस्पेक्ट में। यहाँ पर एक ऑब्जर्वर खड़ा हुआ है, मान लीजिए ये आप हैं, तो आपके रिस्पेक्ट में इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, एक्स वाई जेड एंड टी, और ऑब्जर्वर ओ डैश जो ट्रेन के अंदर बैठा हुआ है जिस पैसेंजर की हम बात कर रहे थे वो ओ डैश पॉइंट पर है, जो ओ डैश पॉइंट पर है ऑब्जर्वर वो v वेलोसिटी के साथ आगे की तरफ मूव कर रहा है, उसके रिस्पेक्ट में p पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, x प्राइम y प्राइम z प्राइम एंड t प्राइम। नाउ इन दोनों कोऑर्डिनेट्स में क्या रिलेशन है, x और x प्राइम में क्या रिलेशन है, y और y प्राइम में क्या रिलेशन है, z और z प्राइम में क्या रिलेशन है, t एंड t प्राइम में क्या रिलेशन है, इसी रिलेशंस को हम ड्राइव करते हैं गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस के अंदर। तो आइए पहले देखते हैं डेफिनेशन क्या है गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस की, उसके बाद हम ड्राइव करेंगे वो चार सेट ऑफ इक्वेशंस जिसको हम गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस का नाम देते हैं। तो देखते हैं स्टूडेंट डेफिनेशन ऑफ गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, द सेट ऑफ इक्वेशंस व्हिच रिलेट स्पेस टाइम कोऑर्डिनेट्स ऑफ एन इवेंट विद रिस्पेक्ट टू टू इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस हैविंग रिलेटिव मोशन बिटवीन देम आर कॉल्ड गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन जो होती है वो सेट होती है चार इक्वेशंस का जो कि रिलेट करती हैं स्पेस टाइम कोऑर्डिनेट्स को किसी भी इवेंट के, जो स्पेस टाइम कोऑर्डिनेट्स होते हैं किसके रिस्पेक्ट में, दो फ्रेम्स के रिस्पेक्ट में जिनके बीच में होता है रिलेटिव मोशन। यहाँ पर ये फ्रेम वी वेलोसिटी से आगे मूव करता है, ये रेस्ट में था, तो इन दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन था, ऐसी इक्वेशंस को बोलते हैं गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस। तो चलिए स्टूडेंट देखते हैं कैसे इसको हम प्रूव करेंगे, कैसे इन दोनों स्पेस टाइम कोऑर्डिनेट्स के बीच में रिलेशंस ड्राइव करेंगे। लेट अस कंसीडर टू इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस एस एंड एस प्राइम हैविंग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एक्सिस एस एक्स वाई जेड एंड एक्स प्राइम वाई प्राइम जेड प्राइम एंड ओरिजिन ओ एंड ओ प्राइम। तो इसके लिए हमने दो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कंसीडर कर लिए, एस एंड एस प्राइम, एस के कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स वाई जेड, एस डैश के कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स प्राइम वाई प्राइम जेड प्राइम और इनके ओरिजिन्स हैं ओ एंड ओ प्राइम। एट टाइम टी इक्वल टू 0 बोथ द फ्रेम्स आर एट रेस्ट सो दैट देयर ओरिजिन्स ओ एंड ओ प्राइम कंसाइड विद ईच अदर। जब टाइम टी इक्वल टू 0 था तब ये दोनों फ्रेम आपस में कंसाइड कर रहे थे, x x प्राइम के ऊपर था, y y प्राइम के ऊपर था, z z प्राइम के ऊपर था और इनके ओरिजिन जो हैं o and o प्राइम वो भी कंसाइड कर रहे थे। तो इसके बाद अब स्टूडेंट्स क्या लिख के आएंगे एग्जाम में वो अब हम देखेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो आइए स्टूडेंट देखते हैं कि आप और इस टॉपिक में क्या ऐड करके आएंगे और कैसे ड्राइव करेंगे गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस। Now let frame S dash start moving with constant velocity v along positive direction of x-axis. अब हमने मान लिया कि जो फ्रेम S dash था वो v velocity के साथ move करना शुरू कर दिया है along positive direction of x-axis और S frame of reference जो है वो rest में है, means दोनों frame of reference के बीच में है relative motion. Let an event occurs at point P at any instant of time. P point पर अब एक event occur होती है तो उसके बाद क्या होगा? The coordinates of point P, W, R, T, observer O in frame S are X, Y, Z, T. अब P point के जो space-time coordinate होंगे उस observer के respect में जो यहाँ पर खड़ा है
ओरिजिन ओ पे खड़ा है और ये ओरिजिन किसका है, उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस का है जो कि रेस्ट में है, मींस फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस का ऑब्जर्वर है, ये जो ओ पॉइंट पर खड़ा है उसके रिस्पेक्ट में पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे एक्स वाई जेड एंड टी। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर ओ डैश इन फ्रेम एस प्राइम आर एक्स प्राइम वाई प्राइम जेड प्राइम एंड टी प्राइम, और जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस डैश एस प्राइम या एस डैश जो मर्जी कह लो आप वो मूव कर रहा है वेलोसिटी के साथ, वहां के उसके ओरिजिन के ऊपर ओ प्राइम के ऊपर एक ऑब्जर्वर खड़ा है उसके रिस्पेक्ट में पी पॉइंट के ऊपर जहां पर इवेंट अकर हुई है उस पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, ओ प्राइम के रिस्पेक्ट में एक्स प्राइम वाई प्राइम जेड प्राइम एंड टी प्राइम। फ्रॉम फिगर इट इज क्लियर दैट अब हमें एक्स प्राइम और एक्स के बीच में रिलेशन निकालना है, ओ से लेके ए तक का जो डिस्टेंस होगा वो एक्स होगा क्योंकि जो एक्स कोऑर्डिनेट है पी पॉइंट का ओ के रिस्पेक्ट में एक्स है और जो x कोऑर्डिनेट है पॉइंट P का O डैश के रिस्पेक्ट में वो x प्राइम है, तो यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस x प्राइम होगा और यहां इस ओरिजिन से लेके A पॉइंट का जो डिस्टेंस होगा वो x होगा। अब O से लेके A तक का डिस्टेंस कितना होगा, O से लेके A मींस OA कितना होगा O डैश प्लस O डैश A, तो हमने यहां पे लिख दिया OA इज इक्वल टू O डैश प्लस O डैश A। नाउ OA इज x, O से लेके A तक का डिस्टेंस जो है वो x है और O डैश कितना होगा, अब ये जो फ्रेम एस डैश एस प्राइम है वो वी वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है तो टी टाइम में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, स्पीड है यहाँ पर वी और टाइम है यहाँ पर टी, तो डिस्टेंस होगा वी इंटू टी स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, तो ओ डैश मीन्स डिस्टेंस कवर्ड बाय द फ्रेम एस डैश इन टाइम टी विल बी वी इंटू टी दैट विल बी अवर ओ डैश, तो ओ डैश कितना आ गया हमारे पास वी इंटू टी, ओ डैश प्राइम ओ प्राइम ए तो O डैश ए बोल दो O प्राइम ए बोल दो एक ही बात है वो कितना होगा हमारा X प्राइम, तो यहाँ पर हमने X प्राइम की वैल्यू पुट कर दी, हमने VT को उधर ले गए तो X माइनस VT इक्वल टू X प्राइम आ गया, तो ये आ गया रिलेशन X प्राइम और X के बीच में, ये हमारी फर्स्ट गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन आ चुकी है। अब स्टूडेंट ध्यान से देखिए जो हमारा S प्राइम फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो सिर्फ X एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है विद कांस्टेंट वेलोसिटी V, अब Y एक्सिस में और Z एक्सिस में इन दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस का कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं है, तो हमारे पास दोनों के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे Y कोऑर्डिनेट्स वो दोनों इक्वल होंगे, तो हम लाइन लिखेंगे एज देयर इज नो रिलेटिव मोशन अलोंग Y एंड Z डायरेक्शन, ना तो Z डायरेक्शन में कोई रिलेटिव मोशन है इन दोनों फ्रेम्स का ना Y एक्सिस में इन दोनों का कोई रिलेटिव मोशन है, सिर्फ रिलेटिव मोशन था अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ X एक्सिस, तो Y प्राइम एंड Y एंड Z प्राइम एंड Z सेम रहेंगे, ये हमारी सेकंड गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन है। ये हमारी थर्ड गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन है जो P पॉइंट के Y और Z कोऑर्डिनेट्स को आपस में रिलेट कर रही है विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम S एंड S प्राइम। अब हमारा चौथा कोऑर्डिनेट रह गया है वो होता है टाइम कोऑर्डिनेट, जो टाइम होता है वो क्लासिकल फिजिक्स के अकॉर्डिंग एब्सोल्यूट होता है बट स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अकॉर्डिंग टाइम वेरीज विद द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो टाइम जो है यहाँ पर क्लासिकल फिजिक्स की बात हो रही है क्योंकि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन से डील करता है जो कि क्लासिकल फिजिक्स के अंदर आते हैं, उसके अकॉर्डिंग टाइम जो है वो एब्सोल्यूट रहता है, टाइम जो है इन हर एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में सेम रहता है, बट एक कंडीशन यहाँ पर सेटिस्फाई होनी जरूरी है अगर टाइम को एब्सोल्यूट मानना है कि जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है उनकी जो स्पीड है वो वेलोसिटी ऑफ लाइट से बहुत कम होनी चाहिए, वेलोसिटी ऑफ लाइट जो होती है वो होती है 300,000 मीटर पर सेकंड, उससे बहुत कम होनी चाहिए, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तब भी टाइम एब्सोल्यूट होगा, क्लासिकल फिजिक्स के अंदर जो भी हम ऑब्जेक्ट्स डील करते हैं डेली लाइफ में तो उनकी जो स्पीड्स रहती है वो वेलोसिटी ऑफ लाइट से बहुत कम रहती है, इसलिए हम टाइम को एब्सोल्यूट मानते हैं, मीन्स टाइम जो है वो हर एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में सेम रहता है। एज टाइम इज कंसिडर्ड टू बी एब्सोल्यूट इन नेचर दैट इज टाइम रिमेन सेम इन ऑल इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस, T prime equal to T, तो जिस टाइम पे ये इवेंट इस ऑब्जर्वर को ऑब्जर्व होगी उसी टाइम पे ये इवेंट O ऑब्जर्वर को ऑब्जर्व होगी, सो हम दोनों को सेम टाइम पे वो इवेंट होती हुई दिखाई देगी, देन T prime will be equal to T, ये हमारी फोर्थ गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। तो हम चारों गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन को एक सेट की फॉर्म में लिख देते हैं जो कि आपका फाइनल रिजल्ट होगा, x प्राइम विल बी इक्वल टू x माइनस vt जो कि हमने फर्स्ट इक्वेशन में निकाला था, y प्राइम विल बी इक्वल टू y, z प्राइम विल बी इक्वल टू z एंड t प्राइम विल बी इक्वल टू t, तो आपको एग्जाम में यहां तक ड्राइव करके आना है, ये है वो चार सेट ऑफ इक्वेशन जो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करती हैं। तो स्टूडेंट ये था आपका टॉपिक, आई होप आपको आज का टॉपिक समझ आया होगा, मिलेंगे किसी और वीडियो में, टिल देन थैंक यू सो मच।